Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. This is Chandravir Singh. Today we are going to study chapter 1st in math subject. So please open your book A, page number 1, chapter 1, large numbers. Okay, students. Let's start. Jump start. Use the clues to find the years which these devices were invented. कुछ devices दी गई हैं, उनके clues दिए गए हैं कि ये कब invented हुई, इनका कब आविष्कार हुआ. Okay students, let's find. I am a telescope. मैं एक telescope हूँ और कुछ clue दिया गया है, देखते हैं. 1000 प्लस 600 प्लस 8. नाउ ऐड दीज नंबर्स. 8 0 6 1. नाउ वी कैन से दैट टेलीस्कोप इन्वेंटेड इन 1608. ओके. यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार कब हुआ? 1608 में. ओके. आई एम ए टेलीफोन. क्ल्यू 1876. This is a clue for telephone. Okay, let's find. Tens, hundred, thousand, one thousand means 1876. This is a answer. 1876. Now we can say telephone invented in 1876. Okay students. Did you understand? Third, I am a television. मैं एक टेलीविजन हूँ. सम क्लूज आर क्लूज. स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 9, 1, 2 and 6, कीपिंग 9 एट द 100 पैलेस. ओके, लेट्स सी. Ones, tens, hundred,
1000. Okay, students. Smallest number form using the digit 9, 1, 2 and 6. Keeping 9 at the 100 place. Means 9 को हम 100 के पैलेस पर रख देंगे. रख दिया. ओके. स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट. अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और इसमें इन्होंने क्या टर्म रखी थी कि हमें 9 को 100 के पैलेस पर रखना है. ओके स्टूडेंट्स. और हमें किस किस नंबर से बनाना है. सबसे छोटा नंबर 9, 1, 2, 6. देन सबसे छोटा नंबर बनाना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना. यहाँ पे 1 दिया हुआ है. 1. बाकी 2 डिजिट कौन कौन सी हैं. 2 and 6. ओके. अगर हम 6 को यहाँ पैलेस करेंगे एंड 2 को यहाँ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज ये हो जाएगा 1962 जो कि ये अभी बड़ा नंबर है. अब हम करते हैं इस 2 को यहाँ रखते हैं एंड 6. अब ये हो गया 1926 यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर. ओके स्टूडेंट्स. टेलीविजन इन्वेंटेड इन 1926. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. राइट इन वर्ड्स द ईयर इन द विच टेलीस्कोप एंड टेलीविजन रेस्पेक्टिवली वर इन्वेंटेड. ओके. हमें वर्ड्स में लिखना है. किस किस को वर्ड्स में लिखना है. टेलीस्कोप एंड टेलीविजन का इन्वेंटेड कब हुआ. फर्स्ट टेलीस्कोप. टेलीस्कोप 1608 और 1608. ओके राइट हियर 1608. We can say 1608 or 1608. Okay, students. Television. Okay. Make it. Write in words. 1926. Okay, write down first.
राइट द क्वेश्चन नंबर टू. राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स. फर्स्ट वाज इज, फर्स्ट वन इज 1608, सेकेंड वन इज 1876 एंड थर्ड वन इज 1926. राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 6. हमें पैलेस वैल्यू लिखनी है 6 की. ओके, वंस, टेंस एंड 100. तो 6 कौन से पैलेस पे है? 100 पैलेस पे. तो इसकी पैलेस वैल्यू क्या हुई? 600. ओके, नाउ यहां 6 किस पैलेस पे है? वंस पर. तो इसकी पैलेस वैल्यू क्या हुई? 6. यहां भी वंस वाले पे है तो इसकी पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. ओके, राइट डाउन प्लीज. फास्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द ईयर्स ऑफ इन्वेंटेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. छोटे से बड़ा. ओके स्टूडेंट्स, विच वन इज स्मॉलेस्ट? 1608. नेक्स्ट 1876 एंड लास्ट वन इज 1926. दिस इज द ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 3. डिड यू अंडरस्टैंड? देखो बेटा, सीधा सा इसका मींस ये है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा. ओके, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, फिर बड़ा, देन ग्रेटेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू. ओके, हेयर वन नंबर 32,678. नाउ सी, दिस इज द पैलेस ऑफ 10,000, 1,000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. ओके स्टूडेंट्स, वेयर इज द 8 वंस पैलेस? 7 10 पैलेस, 6 100 पैलेस, 1,000 2,000 पैलेस एंड 3 10,000 पैलेस. नाउ टेल मी, व्हाट इज द पैलेस वैल्यू ऑफ 6? व्हाट इज द पैलेस वैल्यू ऑफ 6? 100. नाउ पैलेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600. अंडरस्टैंड? नाउ टेल मी पैलेस वैल्यू ऑफ 3? 30,000. 3. नाउ पैलेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000. नाउ टेल मी पैलेस वैल्यू ऑफ 2? 1,000. 2,000. ओके, पैलेस वैल्यू ऑफ 7? 70. एंड पैलेस वैल्यू ऑफ 8? 8. डिड यू अंडरस्टैंड?
वी डिवाइडेड पैलेस वैल्यू इन थ्री पीरियड, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड एंड लैक्स पीरियड. ओके, इन वंस पीरियड वंस टेन एंड हंड्रेड, इन थाउजेंड पीरियड टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड लैक्स पीरियड लैक्स. ओके, नाउ टेल मी सिक्स वन पीरियड यस और नो, सेवन इन वन पीरियड, एट इज इन वन पीरियड. ओके, एज वेल एज टू इज इन थाउजेंड पीरियड, थ्री इज इन थाउजेंड पीरियड, एट इज इन लैक्स पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, सीधा सा मतलब यह है कि हम पैलेस वैल्यू को थ्री पीरियड्स यानी कि तीन पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि जिसमें वंस पीरियड के अंदर वंस टेंस एंड हंड्रेड डिजिट्स आती हैं. ओके, एज वेल एज जैसे कि थाउजेंड, थाउजेंड में कौन कौन से आएंगे, थाउजेंड वाली डिजिट्स आएंगी, जैसे थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, टू थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड. ओके, एंड लैक्स में लैक्स वाली, अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व 1.1 एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व 1.1. ओके, थैंक्स.